लाइव स्टार्ट। काका तो क्या कर रहा था? हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ नया बना रहे। हम लोग सिस्मी हनी मंचूरियन, वेज मंचूरियन बना रहे। ऑब्वियसली नाम हनी है तो हमें हनी लगेगा और साथ साथ हमें सिस्मी यानी तिल, सफेद तिल लगेंगे। हनी भाई इजी रेसिपी है, बहुत यम्मी है। बेसिक स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ कैसे करना है। कितने लोग हैं लाइव? 325। वैसे लोगों को आने देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। मंचूरियन दिखा रही हूँ, पहले हम लोग मंचूरियन बनाएंगे और इसके बाद फिर उसे टॉस करेंगे। तो यहाँ पे हमें मंचूरियन बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? वेज है तो जितनी सारी सब्जियां है जो आपके घर में आपके बच्चे नहीं खाते हैं वो आपको यहाँ पे यूज करना है मंचूरियन करने के लिए। कांदा कपड़ा होगा तो सबसे मेन हमें है यहाँ पे कैबेज। कैबेज को आप चाहे तो इसे ग्रेट कर सकते हो, अगर आपके पास ग्रेट करने के लिए कुछ है तो, या फाइन चॉप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कैबेज लिया है, एक बड़े साइज का आपको यहाँ पे कैबेज यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कैबेज लिया है और इसे मैंने एकदम फाइन चॉप किया है, जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे एकदम फाइन चॉप किया है। तो यहाँ पे मैंने कैबेज, एक पूरा कैबेज लिया है, साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऐड किया है यहाँ पे, ये जो है ये कैरेट है। जब भी चाइनीज बनाते हो तो एक चीज याद रखना है आपको, जो कैरेट यूज करेंगे ये ऑरेंज कलर के होने चाहिए। अभी के सीजन में जो कैरेट आते हैं रेड कलर के, उनके अंदर बहुत सारा पानी होता है, तो हम लोग यहाँ पे ऑरेंज कलर के कैरेट यूज करेंगे। थोड़ा सा इसमें बीन्स ऐड कर रही हूँ मैंने थोड़ा सा बीन्स डाला है, आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जी ले सकते हो। और यहाँ पे स्प्रिंग अनियन थोड़े से मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन भी ऐड किए है, सिर्फ स्प्रिंग लिया है नीचे का। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने मिक्स करके रखी है। देखिए ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास यहाँ पे कैबेज है। आज हम लोग जो रेसिपी बना रहे हैं यहाँ पे हनी रेसिपी, स्वीट रेसिपी है, मंचूरियन है, वेज मंचूरियन है, और जिसमें हम लोग ने टच दिया है हनी का और सिस्मी का। तो यहाँ पे सारे अच्छे से मिक्स हो गए। सॉल्ट डालते हैं इसमें एज पर टेस्ट, आप जितना सॉल्ट खाना पसंद करते हो, मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। उसके बाद सोया सॉस डाला है मैंने एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून इतना मैंने डाला है सोया सॉस। सारी चीजें इसके अंदर मैंने ली है। कैबेज है, जो सब्जी आपको चाहिए वो सारी सब्जी इसमें ले लो, मैंने ज्यादा क्वांटिटी में कैबेज लिया है। उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर के कैरेट लिए, थोड़ा सा ही मैंने बीन्स लिया है, अजून लगेन तो इसे अब ऐसे आपको हाथ से अच्छे से स्क्वीज करना है ताकि सारी सब्जियों में से पानी निकल जाए। आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हो एक 5 मिनट के लिए साइड में, लेकिन इसे मैंने अच्छे से दबा दिया है तो इसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। एक प्लेन नैपकिन लेते हैं और बस ये जो सारा हम लोग ने इसमें डाला था
हमें इसका पानी कंप्लीटली निकाल देना है। तो एक टेबल नैपकिन में सारी सब्जियां मैंने डाल दी, इसमें नमक लगा है और साथ साथ सोया सॉस लगा है, अजून एक बाउल दिया माला मोटा, और ये पूरा पानी आपको इससे निकालना है। जितना पॉसिबल है उतना आपको इसमें से निकालना है। देखो कितने अच्छे से निकल रहा है, पानी निकलना बहुत जरूरी है। पानी निकालने के बाद इसे अलग कर देते हैं। पानी के बूंदे देखो ऐसे ड्राई होना चाहिए, कंप्लीटली ड्राई। पानी निकलना बहुत जरूरी है। फिर से उसे और एक बार करते हैं। क्या प्लेट सेम जैसे अभी किया था, पूरा एक बड़ा सा मैंने कैबेज लिया है तो ये सारा इसमें डाल देते हैं, और सेम जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। डालने के बाद पानी निकालना है इसमें से, एकदम टाइटली इसे निचोड़ना जरूरी है। ये पानी पूरा निकलना चाहिए, अदरवाइज जो हम लोग बॉल बनाएंगे मंचूरियन बॉल ये पूरे आपके डीप फ्राई करते वक्त निकल जाएंगे, चुट्टे हो जाएंगे। तो ये पूरा मैंने निकाल दिया है, इसे फेंकना नहीं। अगर आप सूप बना रहे हो वेज वाले तो ये सूप में आपके काम आएगा। देखो ये ऐसे ड्राई बनेगा, प्लेट लागे ना कुसुम, ये पूरा ड्राई बन गया है। अभी इसमें फिर से डालेंगे सॉल्ट, क्योंकि पहले जो हम लोगों ने सॉल्ट डाला था इसे निकाल दिया है, तो थोड़ा सा मैंने फिर से इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। उसके बाद ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून इतना मैंने इसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर, बस दो ही चीज। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, और इसमें अभी हम लोग डालेंगे कॉर्नफ्लोर और मैदा। यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, तो समझो अगर आपने एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है तो आपको एक टेबलस्पून ऐड करना है मैदा। मैं इक्वल पोर्शन में डाल रही हूँ, एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर एक टेबलस्पून मैदा, तो वो मेरा थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, तो मैंने और एक्स्ट्रा दो टेबलस्पून ऐड कर दिए कॉर्नफ्लोर के और दो टेबलस्पून ऐड कर दिए मैदा। 1:1 रेशो आपको लेना है, जितना आप कॉर्नफ्लोर डाल रहे हो उतना ही आपको मैदा डालना है। पहले अच्छे से मिक्स करो, ये मंचूरियन बॉल्स हम लोग बना रहे हैं। लेंथी प्रोसेस है, तो अगर आप लाइव में देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना भी जरूरी है। हम लोग ये पहले मंचूरियन बनाएंगे, उसके बाद इसे हम लोग टॉस करेंगे हनी और सिसमी के साथ। तो पहले हम लोग मंचूरियन बना रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने मिक्स किया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा गीला लग रहा है, इससे भी है खाली। तो इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा मेरे और ऐड करना है, तो फिर से सेम समझो मैंने एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है तो एक टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। ये अच्छे से बाइंड होना जरूरी है, और फिर से थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमें डीप फ्राई करना है, तो साथ साथ मैंने ऑयल को भी रख दिया है यहाँ पे गर्म करने के लिए, क्योंकि ये जो बॉल्स होते हैं इसे हमें डीप फ्राई करना है। हम लोग वेज मंचूरियन यहाँ पे बना रहे हैं पहले, और उसके बाद इसे हम लोग टॉस कर रहे हैं हनी के साथ। ये ड्राई रेसिपी है, इसे आप ड्राई मंचूरियन कह सकते हो। स्टार्टर है ये वेज वालों के लिए, जो नॉनवेज खाते हैं वो चिकन से बना सकते हैं। चिकन की रेसिपी बहुत अलग है। देखो ये अच्छे से बाइंड हो गया है, बाइंड होने के बाद इसके छोटे छोटे हमें बॉल्स करने, बस
जैसे आप गुलाब जाम बनाते हो बस वैसे ही। बाइंडिंग करते वक्त हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए। देखो एकदम ड्राई है ये, ऐसे सारे बॉल्स में बना लेती हूँ। प्लेट देते नहीं भरी बाबू। क्लास हमारा क्लास चालू है, हमारा चाइनीज का क्लास है। चाइनीज का जो क्लास होता है जिसमें हम लोग अजीनोमोटो और विनेगर नहीं यूज कर रहे, ये ऑलरेडी मेरा क्लास चालू है उसमें ही मैं आपको ये रेसिपी बना के दिखा रही हूँ। स्टार्टर का है ये, एक स्टार्टर है ये। सिंपल मैंने कैबेज लिया था और जिसके अंदर मैंने कैरेट ऐड किया था। आप कोई भी सब्जी यूज कर सकते हो, जो आपके बच्चे नहीं करते कोई भी सब्जी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। उसके बाद में ये दो चीजें मैंने ऐड कर दी, अच्छे से मैंने सारा मिक्सिंग किया। नैपकिन में डाल के पानी निकाला और ये 1:1 एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है तो 1 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला। उड़ित बोलो हाँ, इतना ही बड़ा बना, ज्यादा बड़ा बना। और एक गुलाब जाम के जैसे मैंने इसे बना लिया है। इसे हमें कोट करना है हल्का सा कॉर्नफ्लोर के साथ, तो मैंने यहाँ पे ड्राई कॉर्नफ्लोर लिया है, ज्यादा नहीं यूज करना है, सिर्फ हमें इसे कोट करना है। देखो ऐसे प्रिकॉशन के लिए, अगर आपने इसे लूज बनाया है तो डीप फ्राई करते वक्त ये छूटे नहीं इसके लिए। तो पीछे जिनको कैमरा में नहीं देखने हैं वो लोग पीछे मंचूरियन बना रहे, तो पहले से हम लोग डीप फ्राई करके लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस दिखाते हैं कि इसे आपको ड्राई मंचूरियन कैसे करना है। बहुत सिंपल है करना और रेस्टोरेंट स्टाइल एज इट इज बनता है विदाउट अजीनोमोटो। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपको उनको हेल्दी रहना है तो ये बेस्ट। फिर दाबून दाबून करा सुटान लो, तो देखो ये ऐसे हमारे पास बन गए। और जस्ट मैं उसे कॉर्नफ्लोर में डीप कर रही हूँ, बहुत सारा कॉर्नफ्लोर नहीं लगाना है, सिर्फ हल्का सा डीप ड्राई कॉर्नफ्लोर लगा रही हूँ मैं इसे। अगर आपको मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में करना है तो आप इसे रात में सोते वक्त बना के भी रख सकते हो फ्रिज के अंदर और मॉर्निंग को उठ के इसे डीप फ्राई कर सकते हो। एक एयर टाइट डब्बे में आप भर के रखेंगे ऐसे बॉल्स बना के कॉर्नफ्लोर में डिप करके। इसे हमें डीप फ्राई करना है थोड़ा सा बहुत नपीट, एकदम छोटा सा बोया। ऑयल मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम किया है, बहुत सारा ऑयल हमें गरम नहीं करना है। जैसे आप घर में बटाटा वड़ा हो या कोई भी पकौड़ा बनाते हो सेम वैसे ही पकौड़े के जैसे टिश्यू पेपर के अंदर। अरे एक प्लेट पर गया, प्लेट आए टिश्यू पेपर गया। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी जरूरी है ताकि आपको पता चले आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं वो सब तक ये रेसिपी जाएगी। ऑयल अच्छे से ओपन सुनते हो ना, ऑयल अच्छे से गर्म होना जरूरी है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद देखो इसे मैंने डाला है, पहले सेफ्टी के लिए एक डाल के देखो कि वो छूट तो नहीं रहा। करा ना कुछ करा ना। एक टिप देती हूँ, आप जब भी डीप फ्राई कर रहे हो मंचूरियन बार बार इसे चम्मच नहीं लगाना है। इसे मैंने डाल दिया है ऐसे एक टाइम में जितने जाते हैं उतने मैंने डाल दिए, उसे ज्यादा आपको चम्मच नहीं लगाना है। अगर आप इसे ज्यादा चम्मच से उल्टा पुल्टा कर रहे हो तो ये छूट जाते हैं, तो ये हमेशा एक टिप याद रखिए, इसे ज्यादा हमें चम्मच नहीं लगाना है। थोड़ा सा एक बार डालने के बाद बस इतना है, जब तक ये गोल्डन कलर के नहीं होते तब तक इसे हम लोग डीप फ्राई करते हैं। मीडियम फ्लेम पे रखा है मैंने गैस को, ये मीडियम फ्लेम पे हमारे गर्म हो रहे हैं। मोबाइल का क्लास हमारा थाने में है, क्लास हमारा ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आज का क्लास चाइनीज का क्लास था जो वेज और नॉनवेज का है। आज हम लोग अभी वेज बना रहे हैं, उसके पहले हम लोग ने नॉनवेज बना लिया है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो ये सेम क्लास आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आपको ये क्लास करना है
चाइनीज का क्लास जिसमें कहां पे भी हम लोग ने अजीनोमोटो यूज नहीं किया है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7506832870 में। देखो बार बार चम्मच नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा एक दो मिनट के बाद सिर्फ मैंने इसके साइड चेंज कर दी बस। और बहुत सुपर बनता है ये रेसिपी, मैंने इसके पहले भी दिखाई है और बहुत सारे लोगों ने बनाई है। नहीं कॉर्नफ्लोर यहाँ बहुत सुपर बनती है ये रेसिपी, इजी रेसिपी है। देखो थोड़ा सा कलर जब तक चेंज नहीं होता है तब तक इसे हमें डीप फ्राई करना है। इसे हल्का सा जब तक ये कलर चेंज नहीं करता है तब तक इसे हमें डीप फ्राई करना है। हल्के से लाइट ब्राउन कलर के होने चाहिए। देखो ये फर्स्ट क्लास रेडी हो गए हमारे। आप वैसे भी खा सकते हो पकौड़ा बना के इसे, इसे मैंने निकाल दिया। मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें डीप फ्राई करना है। देखो यहाँ पे डीप फ्राई करते हुए आप ऑयल देखोगे तो ऑयल में बिल्कुल भी ये हमारे छुट्टे नहीं है, तो यही रीजन है कि इसका पानी निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप पानी नहीं निकालते हो तो सबसे मेन है कि ये शेपलेस हो जाते हैं, ये राउंड नहीं रहते हैं, तो ये परफेक्ट लड्डू के जैसे दिखने के लिए इसका पानी निकालना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े भी नहीं करना है, सेम गुलाब जाम के जैसे ही छोटे वाले। एक बड़ा सा अगर आपने कैबेज लिया है तो कम से कम 30-35 आपके ये छोटे बॉल्स बनते हैं। ज्यादा चम्मच नहीं लगाना है ना, तो ये छूट जाते हैं डीप फ्राई करते वो। कॉन्टेक्ट नंबर 7506832879 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अभी कल का जो क्लास है ये हमारा ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स का क्लास है जिसके अंदर हम लोग पहले प्रीमिक्स बनाते हैं और वो प्रीमिक्स कैसे यूज करना है वो दिखाया जाता है, जिसमें पोहा, इडली, उपमा, मेदू वड़ा है, रवा इडली है, उसके बाद मिसल है, चटनी है दो टाइप की। तो ये कल का क्लास है जिसमें हम लोग पहले प्रीमिक्स बनाते हैं ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स और वो प्रीमिक्स को कैसे यूज करना है वो दिखाया जाता है। चाय है, कॉफी है, अप्पो में दही वड़ा है, टोमेटो सूप है, बहुत बड़ा मेनू है। फ्राइडे हमारा नॉनवेज का क्लास है जिसमें नॉनवेज स्टार्टर्स है, नॉनवेज ग्रेवी है, बिरयानी और कुलचा है। तो जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं चिकन में तो वो क्लास जरूर अटेंड कर सकते हैं। और ये सारे क्लास ऑनलाइन अवेलेबल है। सैटरडे हमारा ब्रेड का क्लास है जिसमें कंप्लीट हम लोग हेल्दी ब्रेड सिखाते हैं और ब्रेड हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। आप बेकरी के ब्रेड खाना बंद करोगे, ब्रेड का क्लास आएगा करो है ना। ब्रेड के क्लास करने के बाद बहुत से लोग सेल भी करते हैं।
ये मंचूरियन जब तक डीप फ्राई हो रहा है हम लोग आगे की प्रोसेस करते हैं। आगे हमें क्या क्या लगेगा, येलो नंगा का सबाउंड। यहाँ पे देखो मैंने जो स्प्रिंग अनियन होता है उसके नीचे का जो पार्ट है इसे मैंने निकाल दिया है, पत्ता जो होता है, और सिर्फ ऊपर का ऑनियन लिया है। और इसे ऐसे बड़े बड़े आपको क्यूब्स करना है इसके, इसे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने लिया है पूरा एक, दो तीन और लगेंगे हमें, दो तीन मैंने अनियन को ऐसे कट करके लिया है। उसके बाद एक कैप्सिकम है, बड़ी वाली कैप्सिकम को भी ऐसे क्यूब करके रखा है। ये आपके ऊपर आपको कितना चाहिए। मैंने तीन से चार अनियन लिया है जिसको ऐसे बड़े बड़े डाइस किए हैं मैंने, बड़े सेम कैप्सिकम के लिए। आप चाहे तो कलर वाले ले सकते हो, कलर बेल पेपर साथ आप वो ले सकते हो। साथ साथ यहाँ पे मैंने देखो फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक लिया है, फाइन चॉप किया हुआ यहाँ पे मैंने जिंजर लिया है, और फाइन चॉप किया हुआ मैंने लिया है यहाँ पे ग्रीन चिली। 1 टेबलस्पून हमें यूज करना है टोमेटो केचप, 1/2 टेबलस्पून यूज करना है सोया सॉस, और 1/2 टेबलस्पून हमें यूज करना है रेड चिली सॉस। ब्लैक पेपर ऑप्शनल है क्योंकि रेसिपी हमारी स्वीट है, हनी चिली है ये। उसके बाद सिसमी सीड्स है क्योंकि रेसिपी का मेन सिसमी सीड्स है, और साथ साथ हनी। हम लोग सिसमी हनी वेज मंचूरियन बॉल्स बना रहे। ये स्टार्टर्स है, अब चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। अगर आपके पास मेयोनीज है या शेजवान सॉस है आप इसे डिप करके भी खा सकते हो। ब्रेड क्लास की फीस 2000 रुपीज है जो सैटरडे है। ऊपर में 12 बजे से लेके 7:30 तक क्लास चलता है, बड़ा क्लास है ये। डीप फ्राई करना जरूरी है, विदाउट डीप फ्राई ये नहीं बनेगा। साथ साथ हम लोग ने यहाँ पे एक स्लरी भी बनाई है जिसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, और 1/2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, और इसकी मैंने ये ऐसे स्लरी बनाई है जो हमें यूज करनी है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में 1/2 टेबलस्पून मैदा। नंबर 7506832879 ये क्लास हमारे थाने में चलता है। अब स्मिता अमेजिंग अगर गूगल पे डालते हो तो एड्रेस आपको मिल जाएगा। ये था नियर बाय थाना स्टेशन है, ये हमारे हो गए नॉनवेज क्लास फीस। नॉनवेज क्लास की फीस भी 2000 रुपीज है जो फ्राइडे है, जिसमें 4 स्टार्टर्स है, रेशम कबाब, चिकन तगड़ी कबाब, शामी कबाब, सीख कबाब, ग्रेवीज में उसमें बटर चिकन है, चिकन अंगारा है, उसके बाद चिकन हरियाली है, चिकन कोरमा है, ऑथेंटिक दम बिरयानी है, और कुछ एक कंप्लीट पार्टी मिल गया यहाँ पे ऐसे रेडी हो गए। सालशी हवे हमको फैन पड़ गया। तो ये जो ऑयल है यही हमें ऑयल यूज करना है, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। देखो कितने बढ़िया बने हैं पैन। तो ये हमें यूज करना है तो इसे साइड में करती हूँ, यहाँ पे पैन को रखती हूँ। आगे की जो प्रोसेस है ये बहुत क्विक करना है आपको, तो थोड़ा सा फास्ट करना है। दिखाती हूँ, मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, आपको पैन ही यहाँ पे यूज करना है। अगर आपके पास पैन नहीं है, कढ़ाई अगर आप ले रहे हो क्योंकि टॉस करना है तो कढ़ाई में टॉस करना पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए एक पैन ले लो। एक पॉरी क्या ना सर तेल का है, अरे तेल उसमें समझे शायद खाली। पैन अच्छे से गर्म होना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून में ऑयल ले रही हूँ, वही वाला ऑयल यूज करेंगे जिसमें हम लोग ने ये डीप फ्राई किया था। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, क्या तेल उछला है करो, ऑयल गर्म होना बहुत जरूरी है। कपड़ा
ऑयल अच्छे से गर्म होना, उठा तो मैं देखो ना तो उड़े। उसके बाद देखो ये जो हम लोग ने सब्जियां लिया है यहाँ पे ये जो मैंने कैप्सिकम लिया था और साथ साथ यहाँ पे अनियन लिया है, जिसमें हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून इतना पानी, इनके ऊपर हमें पानी डालना है। इससे क्या होगा, वो फ्लेम होगा। ये सारी जो चीजें हैं ये फटाफट करनी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, पैन आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा क्विक होना है सबको। अच्छे से गर्म होना चाहिए जो ऑयल है, ये अच्छे से गर्म होना चाहिए, यही रीजन गर्म ऑयल है। ऐसे आपका पैन गर्म होना चाहिए। उसके बाद ये जो ऑयल डाला था मैंने, पैन को हल्का सा क्रॉस करेंगे और ये जो सारा हम लोग ने कैप्सिकम और ऑनियन लिया था इसे इसमें डालेंगे। ये एक्चुअल में सब लोग नहीं करना, ये एक्सपोर्ट होना चाहिए ये करने के लिए। तो हम लोग ने होटल मैनेजमेंट जब भी किया था तो ये हमें डिटेल में सिखाया जाता है, भी प्रिकॉशन करते वक्त खुद के बाल संभालना और सेफ्टी के लिए पैन लेना। जैसे मैंने कहा था अगर पैन है तो ये करना बहुत क्विक होता है, सिंपल होता है और हाई फ्लेम पे सब करना है। बस अभी क्या करेंगे, फटाफट सारी चीजें डालेंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर गार्लिक, 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर जिंजर। गार्लिक और जिंजर और सब क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, ज्यादा स्पाइसी नहीं करना है क्योंकि हनी चिली है, चिली इसे भी हम लोग पास करके जो मैंने पहले का जो फ्लेमिंग दिखाया था सेफ्टी के लिए बालों को अच्छे से बांध के ही करना। और अगर आपने अच्छे से देखा था मैं इससे दूर थी, लंबे से मैंने किया था, तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशन लेना जब भी आप घर में फ्लेमिंग करते हो, इसे फ्लेमिंग करना कहा जाता है। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून मैंने डाला है इसके अंदर सोया सॉस। उसके बाद रेड चिली सॉस भी सेम, 1/2 टेबलस्पून। उसके बाद ब्लैक पेपर डाल रहे हैं हम लोग, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। उसके बाद टमाटो केचप हम लोग डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून, टमाटो केचप है मेरे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून। आपको दिखेगा कि मैं ज्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसमें चिपक गया है इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे सिसपी चिप्स लेना है आपको 2 टेबलस्पून, सफेद वाले तिल है ये मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून। सॉल्ट थोड़ा सा नॉन के लिए, और इसे मिक्स करते हैं। ये बहुत यम्मी लगता है खाने में और कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि आपने इसे घर पे बनाया। एक कप मैंने इसमें पानी डाला है, पानी को अच्छे से बॉईल आने देते हैं। सिर्फ थोड़े से ज्यादा डालने हैं क्योंकि यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है, एक टेस्ट देता है ये। इसे हमें यहाँ पे हनी भी यूज करना है, लेकिन हनी जो होता है इसे कभी भी आपको कुक नहीं करना है, क्योंकि जब भी हनी कुक होता है वो केमिकल रिएक्शन करता है। तो जब भी हम लोग गैस बंद करेंगे उसके पहले यहाँ पे हनी डालना है। अगर आप मीठा खाते हो तो 2 टेबलस्पून यूज करना, और अगर मीठा नहीं खाते हो तो 1 टेबलस्पून, लेकिन हनी होना जरूरी है। देखो पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। पानी बॉईल होने के बाद ये जो हम लोग ने डीप फ्राई करके रखे थे मंचूरियन, इसे मैं डाल दूँ उसके अंदर। गैस को सिमर पे डाल दिया है। रोस्टेड और प्लेन सिसमे से? और नहीं, प्लेन सिसमे सीड से, यहाँ पे मैंने रोस्ट करके नहीं रखे। डालने के बाद इसे मिक्स करते हैं। ऐसे सारे बॉल्स को पहले पानी लगना जरूरी है। और ये गरम गरम खाने में ही मजा है,
इसे बिल्कुल भी ठंडा करके ना खाए। देखो अच्छे से ये सब में कोट हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और 1 टीस्पून मैंने मैदा लिया। इसका मैंने ये ऐसे घोल बना के ऑलरेडी रखा है, क्योंकि हमारा क्लास चल रहा है जिसमें बहुत सारी रेसिपी हम लोग ने बना ली है। तो इसे आपको डालना है सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून, बस इतना है। मैंने इसे डाल दिया और इसे फटाफट मैंने मिक्स कर दिया। देखो डालते ही कैसे हमारे ये जो बॉल्स हैं ये ड्राई हो गए और सब में अच्छे से कोटिंग भी आ गया है। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो वो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जरूरी है। बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये अच्छे से ड्राई होने के बाद तो सारे अलग अलग हो गए जैसे आप होटल में खाते हो। अभी इसमें डालेंगे ऊपर से हनी। गैस को स्लो पे डाल दिया है और 1 टेबलस्पून में हनी डाल रही हूँ यहाँ पे। ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि तो हमारे यहाँ पे आज क्लास में कोई स्वीट नहीं पसंद कर रहा है। तो 1 टेबलस्पून मैंने हनी डाली है और लास्ट में प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा फिर से ऊपर से इसमें से और चाइनीज है तो स्प्रिंग अनियन तो बनता है और थोड़े से स्प्रिंग अनियन के लीफ। और गैस को मैंने बंद कर दिया। तो आज की रेसिपी यहाँ पे हमारी रेडी हो रही है। यहाँ पे नाम है सिसमी हनी वेज मंचूरियन। खाने में बहुत सुपर लगता है, आप भी इसे जरूर बनाओ। अच्छे से प्रेजेंटेशन देती करती हूँ, एक अच्छा सा फोटो क्लिक करती हूँ और साथ साथ रेसिपी के साथ मैं इसे शेयर करती हूँ। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है, जैसे मैंने एक टिप दी थी, हनी को कभी भी कुक नहीं करना, क्योंकि हनी जब भी ज़्यादा कुक होता है केमिकल रिएक्शन करता है, तो हनी को लास्ट में ऐड करना है। अगर आप स्वीट खाना पसंद नहीं करते हो तो आप सेम रेसिपी में हनी को स्किप कर सकते हो। इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। खाते वक्त एक टूथपिक देना साथ में, तो टूथपिक लगा के इसे आराम से खा सकते हो। ड्राई रेसिपी है, स्टार्टर की रेसिपी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर होना जरूरी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो स्मिताज अमेजिंग को फॉलो करना भी जरूरी है। क्लास है, बहुत सारी रेसिपी अभी भी हमारी करना बाकी है, तो ज़्यादा टाइम तक लाइव नहीं रहते हैं। तो रेसिपी आगे अगला वीक का शेड्यूल क्या है, हमारा कल वेज स्टार्टर्स वेज फ्रोजन का क्लास है। कल हमारा इंस्टेंट ब्रेकफास्ट प्रीमिस का क्लास है। फ्राइडे हमारा नॉनवेज का क्लास है। सैटरडे ब्रेड का क्लास है और संडे बेसिक टू एडवांस केक क्लास है। तो इसमें से कोई भी अगर आपको क्लास करना है तो बस 7506832879 ये नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और मैसेज। सबको बाय बाय।